हेलो दोस्तों, जय श्री राम और स्वागत है आप सभी का मेरे इस यूट्यूब चैनल टेक शैडो में। आज मैं बात करूंगा क्रिप्टो करेंसी से रिलेटेड और आपको एक ऐसी क्रिप्टो करेंसी के बारे में बताऊंगा जो अभी हाल फिलहाल में ही कॉइन DCX पे लिस्टेड हुई है। कॉइन स्विच कुबेर पे लिस्ट अभी तक नहीं हुई है। एंकर प्रोटोकॉल उस क्रिप्टो करेंसी का नाम है, जो कि पिछले एक महीने में लगभग लगभग 2 गुना लोगों को रिटर्न दे चुकी है। यानी कि अगर उसकी कीमत 100 रुपये थी तो आज के टाइम में 1 या 1.5-2 महीने बाद उसकी कीमत 200 रुपये हो चुकी है। फरवरी के मिडल में उस क्रिप्टो करेंसी की जो कीमत थी वो लगभग 200 रुपीज़ के आसपास थी एंकर प्रोटोकॉल। और कॉइन DCX पे आपको मिल जाएगा। कॉइन DCX की मैं आपको लिंक भी दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, अगर आप डाउनलोड करके इन्वेस्टमेंट करना चाहें। बट अभी उसमें 100 रुपये का जंप हुआ है अभी हाल फिलहाल 2-3 दिनों के अंदर ही, और ये जंप जो है लगातार बढ़ता जा रहा है। अपने ऑल टाइम हाई को भी ये पार कर चुका है। ऑल टाइम इसका हाई जो था वो 260 का था। अभी ये जो क्रिप्टो करेंसी चल रही है ये आपकी 370 से भी ऊपर चल रही है, 370 से भी ऊपर इसकी पहुंच चुकी है और लगातार इसकी कीमत जो है वो बढ़ रही है। अगर आप लोग चाहते हैं इन्वेस्टमेंट करना इस नई क्रिप्टो करेंसी में तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, कॉइन DCX डाउनलोड कर लीजिए। एज ए बोनस आपको क्रिप्टो करेंसी भी दी जाएगी और उसमें आप अपना 100 रुपये से भी इन्वेस्टमेंट शुरू कर सकते हैं। मैं हमेशा आपको सजेस्ट करता हूँ कि ज़्यादा इन्वेस्टमेंट ना करें, सिर्फ इन्वेस्टमेंट उतना रखें जितने का अगर लॉस होता है तो आप लोग उसको आसानी से रिकवर भी कर सकें और आपके बजट पे कोई इफेक्ट ना पड़े। तो मेरा सजेशन ज़रूर मानिएगा, इन्वेस्टमेंट ज़रूर कीजिए बट सजेशन भी मानिए कि मिनिमम अमाउंट से इन्वेस्टमेंट रखिएगा। ज़्यादा अमाउंट किसी भी क्रिप्टो करेंसी में लगाना कहीं की भी समझदारी नहीं है, क्योंकि क्रिप्टो करेंसी डिसेंट्रलाइज्ड है, किसी के भी अधिकार में नहीं आती है। सरकार पे इसका कोई कंट्रोल नहीं है, बैंक्स का इस पे कोई कंट्रोल नहीं है। ये डायरेक्ट बायर और सेलर के बीच में काम करती है, ब्लॉकचेन माध्यम से काम करती है। इस चीज़ को आप सभी लोग जानते हैं, तो इसमें बैंक और गवर्नमेंट दोनों इसमें इन्वॉल्व नहीं होती है। तो नॉर्मल सी चीज़ है कि आप लोगों को इसमें समस्या हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है। पैसा आपका दुगना हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। कुछ आपको प्रॉफिट हो भी सकता है, लॉस भी हो सकता है। तो ये तो इस तरीके की चीज़ है कि अगर आप होल्ड करते हैं तो आपको इसमें इन फ्यूचर में प्रॉफिट मिलता है। होल्ड का मतलब है कि महीने 2 महीने नहीं, कम से कम साल या सालों तक इसको होल्ड करके रखिए। जिस तरीके से बिटकॉइन की वैल्यू 2010 में 10-20 रुपये के आसपास रही होगी और आज के टाइम में उसका ऑल टाइम हाई 50 लाख रुपये चल पहुँच चुका था, करंट प्राइस उसका 35 लाख रुपये के आसपास चल रहा है। तो इस तरीके से कोई भी क्रिप्टो करेंसी कभी भी ऑल टाइम अपने हाई पे पहुँच सकती है, कितने भी अमाउंट तक इंक्रीज हो सकती है। डिपेंड करता है कि उस क्रिप्टो करेंसी की पॉपुलरिटी कितनी है। जैसा कि अभी पॉपुलरिटी के मामले में अगर हम देखें तो शिबा इनू सबसे ज़्यादा पॉपुलरिटी इस वक्त हासिल कर रहा है। गेम्स में एंट्री ले रहा है, खुद की ब्लॉकचेन लेके आना एक बहुत बड़ी बात है, अपनी खुद की ब्लॉकचेन लेके आ रहा है। वो मेटावर्स गेमिंग के अंदर एंटर कर चुका है, कई सारे इंटरनेशनल गेम्स हैं उसके अंदर एंटर कर चुका है, और मतलब कई बड़े बड़े इवेंट्स में इसको इस्तेमाल किया जा रहा है। कई जगह तो शिबा इनू को एक्सेप्ट भी कर लिया गया है कि हमारे यहाँ पे सामान खरीदने के लिए शिबा इनू एक्सेप्ट होता है। जिस तरीके से आप कहीं शॉप पे या मॉल में जाते हैं कहीं सामान खरीदने के लिए, उनको इंडियन रुपीस देते हैं और उनसे अपना सामान ले लेते हैं। तो कई जगह पे ऐसा भी है फॉरेन कंट्रीज़ में कि शिबा इनू जो वहाँ पूरे तरीके से एक्सेप्ट भी हो चुका है, आप वहाँ शिबा इनू देके भी सामान खरीद सकते हैं। तो जिस तरीके से बिटकॉइन ने उछाल दिखाया था, इस तरीके से कोई भी क्रिप्टो करेंसी कभी भी उछाल दिखा सकती है, कभी भी पंप हो सकती है और कभी भी डंप हो सकती है। ये दोनों पहलुओं पे आपको बराबर सोचना होगा। ऐसा नहीं है कि आज आपने इसमें पैसा लगा दिया तो कल आपका पैसा जो है वो गारंटेड दुगना हो जाएगा। हो सकता है जितना आपने लगाया है वो भी आपका ना रहे। तो इन्वेस्टमेंट हमेशा उतनी कीजिए जितने का लॉस आप झेल सकें। ये सोच के कीजिए कि जो मैंने पैसा इसमें लगाया था मिट्टी भी हो जाता है, मिट्टी का मतलब है कि अगर ख़त्म भी हो जाता है, लॉस भी हो जाता है, तो मेरे पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा क्योंकि मैंने कम लगाया था। और अगर कल को ये सोना बन जाता है, इट मीन्स कि आपको प्रॉफिट ज़्यादा हो जाता है, अच्छा प्रॉफिट हो जाता है, तो कोई बात ही नहीं है। दोनों तरीके से सोचिएगा, प्रॉफिट भी लॉस भी। हाई रिटर्न है तो हाई रिस्क भी है। अगर आप सिर्फ रिटर्न के बारे में सोचेंगे कि मैं आज लगाऊं और कई महीने के बाद मैं सोच सकता है कि मेरे पास पैसे ही पैसे हो जाए, तो ऐसा नहीं होता कभी भी कहीं पर भी नहीं होता है किसी भी तरीके से। क्योंकि किसी भी चीज़ को बनाने वाला खुद इतना पागल नहीं होता है कि वो इस तरीके की चीज़ें बनाएगा कि लोगों को रातों रात अमीर बना दे। जैसा कि आपने अभी हाल फिलहाल में सुना भी होगा, पावर बैंक के ऊपर मैंने एक वीडियो डाली थी। पावर बैंक एक ऐसी एप्लीकेशन आई थी और पावर बैंक से रिलेटेड भी कई सारी ऐसी एप्लीकेशन हो सकता है अभी भी चल रही हो मार्केट में, उनमें लोगों ने पैसा बनाया और वो काफ़ी हाई रिटर्न लोगों को दे रहा था। यानी कि आप अपने अगर 100 रुपये लगाए हो तो एक हफ्ते में आपको 200 वापस दे रहा है,
तो परसेंटेज आप खुद ही कैलकुलेट कर लीजिए कि एक हफ्ते में ही 100% रिटर्न दे रहा है या 15 दिन में 100% रिटर्न दे रहा है। टाइम तक तो उसने काम किया, लोगों को रिटर्न भी दिया, जिन्होंने शुरू में पैसा लगाया उन्होंने अच्छा कमाया भी होगा। एक टाइम पे आके उसका सर्वर डाउन हो गया और वो पूरे पूरे तरीके से एप्लीकेशन भाग गई और पावर बैंक में जिन लोगों ने पैसा लगाया था वो पूरे तरीके से डूब गया, हर किसी का पैसा। मैंने भी उसमें खुद पर्सनली पैसा लगाया था, मेरा पैसा भी उसमें डूब गया, बट मैं आपको नहीं बताऊंगा कि मैंने कितना लगाया था। तो इस तरीके की चीज़ें हो जाती हैं, किसी भी चीज़ को करके उसमें नुकसान झेल के एक्सपीरियंस हासिल करना ये ठीक है, इट्स ओके, ये नॉर्मल चीज़ है। बट अगर किसी बंदे का ऑलरेडी उसमें नुकसान हो चुका है, अगर आप खुद से किसी मुसीबत में पड़ के या अपना नुकसान करा के अगर कोई एक्सपीरियंस गेन कर रहे हैं तो वो तो एक अच्छी बात होती है, एक्सपीरियंस लेना किसी भी चीज़ के ऊपर इन फ्यूचर काम आता है, नॉलेज कभी भी वेस्ट नहीं जाती है। बट अगर किसी का ऑलरेडी उसमें हो चुका है और वो आपको बता रहा है कि मेरा इसमें हो चुका है, तो बजाय खुद का नुकसान करवाने के जिसका हो चुका है उससे एक्सपीरियंस ले लीजिए, ये उससे भी बेटर ऑप्शन होता है कि आप खुद उसमें इन्वेस्टमेंट करें या किसी भी चीज़ में या कहीं पे भी आप पैसा लगाएं और आपका नुकसान हो जाए। इससे अच्छा है कि जिसका ऑलरेडी नुकसान हो चुका है उससे सीखें, उसके एक्सपीरियंस से गेन करें। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, अगर अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को करना है शेयर और बेल नोटिफिकेशन दबानी है ताकि कोई भी अपडेट आप लोगों से मिस ना हो। ये 2-3 गिनी चुनी चीज़ें हैं, कर दिया करो यार, ऐसा कुछ नहीं होता इस। आपस में अगर कनेक्टेड रहना चाहते हैं तो व्हाट्सअप का नंबर 8920480874 स्क्रीन पर भी आपको दे देता हूँ, वहाँ से भी आप नोट डाउन कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे देता हूँ, टेलीग्राम से भी आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं। कोई भी RTO रिलेटेड, ऑटोमोबाइल, टेक या क्रिप्टो करेंसी से रिलेटेड आपको कोई भी क्वेरी होती है या कुछ भी आप पूछना चाहें, नॉर्मली बात भी करना चाहें, जो मेरे सब्सक्राइबर्स हैं, मेरे भाई हैं, मेरे व्यूवर्स हैं, मेरी फैमिली है यूट्यूब की, बात भी करना चाहें तो नॉर्मली भी बात कर सकते हो यार, बट सिर्फ व्हाट्सएप पे। इतनी रिक्वेस्ट मैं आप लोगों से करूँगा कि सिर्फ व्हाट्सएप पे बात करेंगे। थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो, मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में, फिर किसी समस्या का समाधान लेते हुए या फिर किसी अच्छी न्यूज़ पर, अच्छी अपडेट पर, चाहे वो क्रिप्टो करेंसी की हो, चाहे वो RTO रिलेटेड हो, चाहे वो ऑटोमोबाइल की हो या किसी टेक रिलेटेड हो। मिलेंगे आप लोगों से फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, सुरक्षित रहिए, खुश रहिए। जय हिंद, जय श्री राम।